नारी की शक्ति को सब जानते हैं पर फिर भी उसको कमज़ोर समझते हैं। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि वो कमज़ोर नहीं है। देखो एक पुरुष को, वो पुरुष जो हमेशा उसका बलात्कार करने में उसको कोई मतलब उसे महसूस ही नहीं होता वो कितना कुकर्म कर रहा है, तो उस पुरुष के लिए कविता है। नारी शक्ति को जान पुरुष, तूने ना इसको जाना है, मैं है रहा हूँ तूने अब तक, क्यों ना इसको पहचाना है। जब गर्भ में धारण करे तुझे, तब अपना सुख वह ना देखे, आना तो माँ के पेट के अंदर से ही है ना, वहीं से जन्म लेना है तुझे, और वही है जो सारा दुख झेल कर, सारी पीड़ाएं झेल कर आपको जन्म देती है, इस दुनिया में लाती है, इस दुनिया में आपको जीना सिखाती है। जब गर्भ में धारण करे तुझे, तब अपना सुख वह ना देखे, और तेरी ही चिंता में पुरुष यह स्त्री ही दिन रात जगे। छोटा सा बालक होता है माँ के हाथ में या बालिका, तो सारी सारी रात कौन जागता है, माँ जागती है, उसको दूध पिलाना है, मेरा बच्चा भूखा होगा, और कोई नहीं जागता, लेकिन तभी भी आप उस स्त्री का आदर नहीं करते। तू ना समझे इसकी पीड़ा, बस तुझको अपना स्वार दिखे, वह तुझको जीवन देती है, आंचल से तुझे सींचती है और तेरी प्यास बुझाती है, पर लूट के उसकी इज्जत को तुझे बिल्कुल शर्म ना आती है। फिर काली बनकर दुष्टों का, अब जब स्त्री के साथ तुम ऐसे करोगे तो ज़रूर वो अपना रूप तो दिखाएगी दिखाएगी और दिखाती भी है, आज की स्त्री बदल चुकी है। फिर बनकर काली बनकर दुष्टों का करती है नरसंहार है, तू देख कर उसको डर जाता जब पहने मुंडहार है। देखा है ना काली माता का रूप क्या है, अगर रात को हम देख लें तो वास्तव में हम डर ही जाएंगे, सच में ऐसा होता है। तो अब उसका प्रूफ मैं दे रही हूँ आपको, प्रमाण है कि नारी की शक्ति है क्या। जब शिव पर विपदा आई थी, सबने महिषासुर का नाम सुना होगा, यहाँ पर क्या हुआ था, ठीक है, नारी का ही रूप आया था तभी वो भस्म हुआ था, तो मैंने उन्हें पंक्तियों में ढाल दिया। जब शिव पर आई थी विपदा, तो विष्णु ने अवतार लिया, मोहिनी रूप धारण करके महिषासुर को भी भ्रमित किया। महिषासुर भ्रमित हो गया क्योंकि एक सुंदर सी स्त्री उसके सामने आ गई। अति सुंदर रूप जब नारी का महिषासुर के सम्मुख आया, तब नृत्य कर उस नारी ने उस दुष्ट को नाच नचाया था। एक स्त्री ही नचा देती है एक पुरुष को अपनी उंगलियों पर, और आजकल तो वैसे ही नचा देती है लड़कियां। तब नृत्य कर उस नारी ने उस दुष्ट को नाच नचाया था, उसने जब सिर पर हाथ रखा तो महिषासुर भी भस्म हुआ। तब भोले को भी उस युग में भोले को भी एहसास हो गया था कि एक स्त्री का क्या महत्व है। तब भोले को भी उस युग में नारी शक्ति का आभास हुआ। आगे दूसरा प्रमाण है, झांसी की रानी ने अपने जब पुत्र को कमर से बांधा था, लड़कर अंग्रेजों से उसने तब झांसी को बचाया था। क्या आज की स्त्री ऐसा कर पाएगी, अपनी कमर से अपने पुत्र को बांध कर वो लड़ी थी। झांसी की रानी ने अपने जब पुत्र को कमर से बांधा था, लड़कर उसने अंग्रेजों से तब झांसी को बचाया था। लड़ते लड़ते अंग्रेजों से फिर वीर गति को प्राप्त किया, अब अंग्रेजों ने भी उसके लोहे को तब पहचान लिया। मैं यहीं अपनी कविता को विराम देना चाहूंगी, आगे कुछ और प्रमाण लेकर आऊंगी जो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकूंगी। धन्यवाद।